बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरहमना फ़इन्ना का खैरुर्राहिमीन। सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ़ पढ़िए। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। एक मरतबा फिर मुहब्बत दे नाल अस्सलातो वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व असहाबिका या मकीना कुलूबिल मुमिनीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीनों, सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कुरान हकीम दी जो मुक़द्दस आया करीमा तिलावत करन दा शर्फ हासिल कीता। एक दुआ है कि जिड़ी अल्लाह ताला ने अपने बंदियां नू सिखाई है और कुरान पाक दी एक आयत है वरहमना, और तू साढ़े ते रहम फरमा फ़इन्ना का खैरुर्राहिमीन, इस वास्ते के सब तो बेहतर रहम करने वाला तू है। चूंकि गुज़श्ता चंद जुम्मों तो सरकार दे उशाक दियां बातें हो रही हैं, नबी पाक दियां गुलामां दियां दास्ताना दर्द भरे वाक़ियात में आप हज़रात दे गोश गुजार कर रहे हैं। मैं उस मजमून नू अगे चलाने की कोशिश करांगा। अल्लाह ताला साडा मिल बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल हो मंजूर फरमाए। मैनू खुशी है कि बरतानिया तो मेरे इंतहाई मुहब्बत करने वाले अजीज़ भाई अकीदतमंद जो कि बज़्मे चिश्तिया इंटरनेशनल दे अजीम रुकन ने हाजी मोहम्मद फाजिल साहब, हाजी मोहम्मद सुहेल साहब, हाजी मोहम्मद इशफाक साहब तशरीफ़ ले आए और उन्होंने फ़ोन किया, साड़ी ख्वाहिश है कि जुमा तेरे को पढ़िए। मैं खुश आमदेद कहना वहाँ, अल्लाह ताला इन्हां दा आया कबूल व मंजूर फरमाए। रवायात चाहता है कि जदों गज़वा खंदक के मौके पर खंदक खोदी जा रही थी तो खंदक खोदया खोदया एक बहुत बड़ी चट्टान हायल हो गई। सहाबा किराम अर्ज करते ने सैयदी या रसूल अल्लाह, साढ़े माँ बाप आप तो कुर्बान जान, एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई है और असी कोशिश कर चुके हैं मगर वो चट्टान नहीं टूट रही। रहमत आलम ने मुस्कुरा के फरमाया थोड़े को नहीं टूटती तो मैं तोड़ देना। सरकार ने कुदाल अपने हाथ में पकड़ी, हजूर के बड़े प्यारे सहाबी ने हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, मैनू अचानक ख्याल आया कि मैं नबी करीम का चेहरा भी वेखे, हजूर के बाजू वेखे ने, हजूर के कदम देखे ने, मगर अज तक रहमत आलम का पेट नहीं देखिया कि कमली वाले का पेट कैसा है। सरकार जदों पत्थर तोड़न वास्ते कुदाल उपर करनगे तो सरकार का कुर्ता मुबारक भी उपर होगा थोड़ा। इस बहाने मैं खंदक च लेट के रसूलुल्लाह का पेट ते वेखा मेरे आका का पेट कैसा है। हजरत जाबिर फरमाते ने कि मैं खंदक च लेट गया, रहमत आलम ने जो अपने बाजू ऊपर उठाए तो मैं पेट ते ना वेख सकिया, मगर हजूर दे पेट ते पत्थर बंधे हुए सन। मैं तड़प गया, इतने दिनों का फर्क है हजूर नूं कि हजूर ने पत्थर बंधे हुए। मालूम होंदा कई दिनों तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना नहीं खाता। फरमांदे ने, मैं रींग के पीछे निकलिया, दौड़िया मदीने अपने घर वाल, अपनी बीवी नूं जाके किया मैं अखां नाल रसूलुल्लाह दे पेट ते पत्थर देखे ने, कदमों में ढेर अशरफियों का लगा हुआ और 3 दिन से पेट पे पत्थर बंधा हुआ। वो किसरा का ताज रौंदने को पांव के तले और बोरिया खजूर का घर में बिछा हुआ। हजूर फरमांदे ने, मैं चाहवा त्योद पहाड़ सोने का बन के मेरे नाल नाल चले, जिधर मैं जावा पहाड़ मेरे नाल नाल चले, मगर मैं दुनिया को पसंद नहीं किया। हजरत जाबिर कहते ने, मैं बीवी नूं जाके आके अक्का नाल वेखे पत्थर बंधे हुए। घर विच कोई चीज है मेरा दिल करता है अज नबी पाक की दावत ना करिए। बीवी रो के कहन लगी, साडा नसीबा साडी किस्मत कि साडे वेड़े कमली वाला तशरीफ ले आवे। ऐसा करो, ए बकरी ज़िबा कर दियो, मैं सालन बना लांगी। थोड़े जे जौ मौजूद ने घर, 2-4 आदमियों का खाना पक जाएगा, मैं वो जल्दी नाल पीस लांगी ते रोटियां बना लांगी, ते तुसा बकरी ज़िबा करो और मैं इंतजाम करनी है। ते नबी पाक कदे किसी का दिल ते तोड़िया नहीं, हजूर किसी की दावत रद्द नहीं कर दे, मगर तकरीबन 1500 गुलाम ने हजूर दे नाल लश्कर विच, सारियां दा ही हाल है। तो जाबिर तुसा नबी करीम दे करीब जाके हजूर दे कान विच कहना है, आका मेरी दावत कबूल करो, आप तशरीफ ले आवे हो, 2-4 साथी और ले आवे हो, इतना ही खाना तैयार होगा। हजरत जाबिर ने फरमाया ठीक है। बकरी ज़िबा कर दी और बीवी ने आखिया ठीक है, तू आटा पीस और तैयारी करते, मैं हजूर दी बारगाह जाना है। बीवी ने फिर आवाज दी ख्याल नाल, हजूर दे कान में आखियो, 2-4 साथी आका ना अकेले ते नहीं ना हजूर आएंगे, 2-4 साथी हजूर आका नाल ले आवे हो, थोड़े जे जाओ जे। हजरत जाबिर ने फरमाया तू फिक्र ना कर। हजरत जाबिर बकरी ज़िबा की और चले गए रहमत आलम दी बारगाह। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाके कदम बोसी की, बिल्कुल हजूर के करीब हो गए। आका एक अर्ज करना चाहना, फरमाया दस की आज तुसी मेरी दावत नहीं कबूल कर दे। हजूर ने फरमाया तेरी दावत कबूल है। और करीब हो के आका आप तशरीफ़ ले आवे हो, दो चार पीर भाई और भी नाल आ जान, अपने घर का भी पता सी। हजूर ने फरमाया जाबर तेरी दावत कबूल है। हजरत जाबिर खुश हो के ना चल पे, मैं जाके बाकी इंतजाम करा। दावत कबूल हो गई। हजरत जाबर ने जो ही मुँह परा किया, नबी पाक ने फरमाया बिलाल जी लजपाल ए पहाड़ी ते चढ़ के ऐलान कर दिया जाबर दे घर दावत। वो 1500 मुजाहिदे नबी पाक दे गुलामा दा 1500 दा लश्कर। हजूर ने फरमाया जाबर ऐलान बिलाल ऐलान कर दे जाबर दे घर दावत। हजरत जाबर नूं अपने घर का भी पता सी, पर अपने करीम रसूल का भी तो पता सी ना। हजरत जाबिर बड़े खुश होके चल पे। हजरत जाबिर की अदम मौजूदगी एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया जो मैं अर्ज करना चाहना। हजरत जाबिर के दो बेटे सन, एक बेटा घर सी, एक बेटा किधरे खेलन गया होया सी। जब वापस आया तो उसने देखा कि गोश्त बनया होया है। भाई को पूछता है गोश्त किस दा है? उन्हें आख्या अबू ने बकरी ज़िबा कर देती है। मासूम बच्चा सी, कहने लगा बकरी नू अबू ने किस तरह ज़िबा की? उन्हें आख्या आ मैं तेनू दसना अबू ने किस तरह ज़िबा की। छोटे भाई नू नाल लिया, मकान की छत से चढ़ गए। भाई नू लिटा के अपना घुटना सीने ते रख के ना गले ते छुरी फेर दी। उसे दस रहा सी, नादान बच्चा सी, उन्होंने नहीं पता कि भाई तो मर जाएगा मेरा। जो बच्चे की चीख सुनी ना, मां तड़पी। मां ने आख्या की कीते भाई नाल? हुण मासूम बच्चा समझ गया कि मैं तो दस रहा सा, मैं तो भाई नू मार दिता, भाई तो खत्म हो गया। डर दे मारे कि मां मारेगी, बच्चे ने छलांग लगा दी, बच्चा दो भी मर गया। दो बच्चे, दोनों दियां लाशां पईयां। ऐ रसूलुल्लाह दी सहाबिया तेरे हौसले नू सलाम, तेरे इश्क रसूल तो कुर्बान। बच्चियां दियां लाशां चुक के चारपाई ते अंदर रखियां ते उपर चादर पा के अपने आप नू कहंदी है बच्चियां नू रोण वास्ते बड़ी जिंदगी पई है, मत तेरी अखां विच आंसू आण। अज हजूर ने साडे वेड़े आउणा है, रसूलुल्लाह दी खुशी नहीं खराब होण देणी। कमली वाले दा इस्तिकबाल करना, रब दे माही ने आना, रसूलुल्लाह दी आमद ते खुशी खराब ना होवे। बड़ा वक्त पिया, बाद में रोंदी रवांगी पुत्रा नू। लोग कहते हैं इस्लाम में खुशी का तसव्वुर कोई नहीं। तुहानू की पता सहाबा ने उम्मत नू की तसव्वुर दिता है? सहाबा ने दस दिता है। एक पासे बच्चियां दी लाशां पईयां होण, एक पासे मुस्तफा दी आमद की खुशी होवे। बच्चियां दा गम बाद करो, मुस्तफा दी आमद की खुशी पहले करो। हजरत जाबिर वापस आए। क्या अजीम खातून ने खामद नू भी दसिया कि जिहड़ी रोन लग पवे, खुशी खराब ना हो जाए। हजूर खाना खा के चले गए तो बाद भी दसदी रवांगी। हजरत जाबिर आया, आपने फरमाया हाँ भाई इंतजामात मुकम्मल ने? जी जी मुकम्मल ने। थोड़ी देर गुजरी, नबी ये करीम अपने गुलामा दे नाल आ रहे। बीवी कहती हजूर नू दावत दे आयो ना? वाम दे के आए बिल्कुल। हजूर दे कान विच गया? हाँ मैं ते कान विच गया, पर अगली गल तेनू दसा, रसूलुल्लाह ने बिलाल को मुनादी करा दी है कि अज जाबर दे घर दावत है। बीवी हस के कहती है फिर फिक्र का दी, जिन्होंने दावत असा दिती है उन्हों का इंतजाम असा करना है, जिन्होंने दावत रसूल ने दिती है रसूल जाने ते गुलाम जाना। ये है सहाबा का अकीदा। सरकार आ रहे हैं, 1500 गुलाम पीछे लगा हुआ है। रब दा माई अगे अगे आ रहा है। मदीने दियां गलियां च गूंज पई होई है आरी उत्ते आरी आ ए अगे मेरा सल्ले अला खलकत सारी या बोलो अगे अगे सल्ले अला पीछे खलकत सारी या। इमामुल अंबिया तशरीफ लिया रहे ने, गूंज पई है कलमे दी, हर पासे मदीना गूंज रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर दी हवेली भर गई। नबी करीम तशरीफ ले आए ते जाबिर दी बीवी ने फरमाया जरा हांडी तो ढकना उठा। उस खातून ने ढकना उठाया ते रसूलुल्लाह ने झुक के ना हडिया दे अंदर लुआबे दान सुटिया, थुक मुबारक हजूर ने सुटी। अकीदा वेखो सिहाबिया कहती है मेरे लजपाल आका थोड़ी जी आटे च भी सुटे हो, उधर बरकत पाई जे इधर भी बरकत होनी चाहिए। हजूर ने आटे च भी लुआबे दान सुटिया। हजूर ने फरमाया हांडी पक जाए ते डोई नाल तरकारी निकालती रवी, चाती पा के वेखी नहीं बप कितनी है, ते हाथ पा के ना ते आटा निकालती रवी ते पकाती रवी, ते जात ना पावी कि आटा कितना है, फिर देख खुदा क्या करता है। हजरत जाबर दे पड़ोस विच एक यहूदन रहंदी सी, वो जाबर की बीवी की सहेली सी। वो आई तो एडा वड्डा लश्कर जी, लश्कर इस्लाम है 1500 बंदा नाल है हजूर दे, ते हवेली भरी हुई है। वो यहूदन जाबर की बीवी नूं कहंदी है ये इतना लश्कर थोड़े घर क्यों आया है? उन्हें फरमाया इन्हां दी दावत है खाने दी। कहंदी इस लश्कर की दावत है खाने दी, ते पकाया की है? जाबर की बीवी आख्या तू अन्नी है, तेनू हांडी नजर नहीं आ रही? ए आटा गुण के रखिया हांडी पकदी पई। वो कदे हांडी वाल वेखे, कदे आटे वाल वेखे, कदे लश्कर वाल वेखे, हक्का बक्का रह गई। थी उन्हें एक सवाल किया हजरत जाबर की बीवी ते। शायर इस्लाम हफीज जलंधरी ने अजीब मंजरकशी की थी। हफीज कहता यहूदन कहने लगी तुम्हारे घर में तो है बस यही दो चार का खाना, तुम्हारे घर में तो है बस यही दो चार का खाना, कहां से आएगा इस लश्करे जर्रार का खाना? तेरे घर से दो चार बंदियां का खाना पक्का, इतने बड़े लश्कर का खाना कित्थों आएगा? हजरत जाबिर की बीवी ने मुस्कुरा के आखिया भैन तू यहूदन है, तेरा यहूदियां वाला ज़हन है, तेनू पता ही कोई नहीं साडे नबी दी शान की है। हमारे मुस्तफा के सर पे तो अल्लाह का साया है, हमारे मुस्तफा के सर पे तो अल्लाह का साया है, वही इनको खिलाएगा जो इनको साथ लाया है। पीर मोहम्मद अबू बकर साहब चिश्ती जिहड़ा नाल लैके आया वो खाना भी खिला लेगा। अल्लाह अकबर। जदों खाना तैयार हो गया तो हजरत जाबिर अर्ज कर देने आका खाना लगाइए? फरमाया हां, 10-10 टोलियां बिठा दियो। हजूर ने फरमाया 10-10 टोलियां बिठाओ और खाना शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो। खाना शुरू हो गया। जदों सारा लश्कर खाना खा चुका तो तो नबी पाक ने फरमाया जाबर हूं मैं भी खा लवां। हजरत जाबर कदमा ते सिर रख के आका दूल्हा ते तुसी होए ते सारे बराती ने दावत ते आका थोड़ी कीती सी। फरमाया फिर लिया मैं भी खावां। नबी करीम नू सुरख रंग दा दस्तरखान बहुत पसंद सी। हो सके तो अपने घर सुरख रंग के दस्तरखान रखो, हजूर की सुन्नत समझ के। हजरत जाबर ने सुर्ख कपड़ा हजूर के सामने बिछाया, खाना लिया के ऊपर रखिया। करीम आका बिस्मिल्लाह करो। तड़प जाओगे। नबी पाक ने फरमाया जाबर जी आका यार कोई मेरी आदत बन गई है, मैं जो खाना खाना ना मेरी गोद एक पासे हसन बहंदा है एक पासे हुसैन बहंदा है। हसन हुसैन ते कोल कोई नहीं, तू अपने बच्चियां नू बुला ला, मैं गोद बिठा के खाना खिलाना चाहता। उन्हें जाबर नू नहीं पता कि मेरे दो बच्चे मर चुके ने। जाबर नू ते इस कहानी का पता ही कोई। हजरत जाबर की खुशी की इंतहा न रही, दौड़ के अंदर गए। बीवी नू कहते ने किस्मत जाग पई आ, बच्चे किथे नहीं। नबी पाक फरमांदे ने गोद विच बिठा के खाना खिलावांगा। ते बीवी नहीं दसदी पई कि बच्चे मर गए ने, किधरे रोन लग पैन, हजूर की खुशी खराब ना हो जाए। बीवी कह लगी मेरे सरताज बच्चे ने ना किधरे खेलदे खेलदे दूर निकल गए ने, बड़ी देर हो गई है, खाना ठंडा हो जाएगा, हजूर नू कहो तुसी खाना खा लो। हजरत जाबर वापस या रसूल अल्लाह बच्चे शायद किधरे खेलदे दूर निकल गए ने, आप खाना खा लो। हजूर ने फरमाया जाबर मैं तेनू कहा ना सारे खा चुके ने, मैनू कोई जल्दी नहीं, इंतजार कर लेने बच्चियां का। हजरत जाबर फिर अंदर गए, बीवी नू कहते रहे मुकद्दर वेख साडे बच्चे रसूल की गोद च बैठ गए, उन्होंने हाथों नाल जिन्होंने हाथों नाल हसनैन नू बुरकियां देते रहे साढ़े बच्चों नू खिलाउणगे। दस किथे खेलन जाते रहे, मैं बुला के ले आना। बीवी ने उठ के ना जाबर दे मुंह ते हाथ रख के आखिया हिम्मत करके मेरी गल सुनो, मैं तुहानू नहीं दसिया दोवें बच्चे मर गए जे, वड्डे ने छोटे नू जिबा कर दिता, खुद छलांग लगा के मर गया, दोनों दीयां लाशां अंदर पईयां ने, मैं कमली वाले की आमद की खुशी खराब नहीं होने दिती। हजूर दिया कदम ते हथ रख के आखो आका मेहरबानी फरमाओ तुम खाना खा लो, बच्चे किधरे दूर चले गए। हजरत जाबिर फिर वापस आई, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मेरे बच्चे किधरे दूर चले गए, आप खाना खा लो। हजूर ने फरमाया जाबिर मैं तेनू कहा है ना मैं इंतजार कर लांगा, कोई बात नहीं, आ जाएंगे खा लांगे। जाबर कदमा ते गिर के कहते हैं या रसूला दिलों के राज जानन वाले या रसूला मेरे बच्चे मर गए, थोड़ी कनीज ने मैनू भी नहीं दसिया ताकि थोड़ी आमद की खुशी खराब ना हो। एक ने दूजे को जिबा किया, आप छलांग लगा के मर गया। रहमत आलम ने फरमाया जाबिर अगर तू उम्मती होने का हक अदा किया तो मैं भी नबी होने का हक अदा करांगा। जाबिर उस जात की कसम है जिसे कब्जे मुहम्मद की जान है, मैं तेरे बच्चों को जिंदा करके गोद में बिठा के खाना ना खिलावा, तेरा नबी कहता होया। तू उम्मती होने का हक अदा किया तो मैं रसूल होने का हक अदा ना करा। दिखा कितने ने बच्चे। हजूर नाल गए, कमरे का दरवाजा खोलिया, चारपाई ते दोनों दी लाशां पईयां ने, उपर चादर पई हुई है। इमामुल अंबिया सरवर आलम ने हाथ रख के फरमाया कौम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह दे इज़्न नाल खड़े हो जाओ। दोवें मासूम बच्चे कलमा पढ़दे उठ बैठे। नबी पाक सरवर आलम ने जफ्फी पा लई, सीने ला लिया। हजूर वापस अपने मुसल्ले ते आए, एक नू सजे पासे बिठाया, एक नू खब्बे पासे बिठाया। नबी करीम सरवर आलम ने बुरकियां तोड़ तोड़ के बच्चों के मुंह पाइया, खाना खिला रहे ने ते बच्चे नबी पाक दी दाढ़ी दे बोसे लैंदे ने ते खुश होके कहंदे ने अज आमद है उस सोने दी बोलो आमद है जेड़ा दो जग नालो सोना अज आमद है जेड़ा दो जग नालो ए जिस वर्गा ना कोई होया है जिस जैसा ना कोई होना अज आमद है अज आमद है जेड़ा दो जग नालो जिस बनने दुख दुखियारा दे और जिस पूछने हाल बीमारा दे जिस बनने दुख दुखियारा दे जिस वंडने पूछने हाल बीमारा दे जिस जा जाके विच गारा दे उम्मत दी खातिर रोना है को शान ए मुस्तफ़ा जज्बा गुलामान ए मुस्तफ़ा साहबजादा पीर मोहम्मद अबू बकर साहब चिश्ती। बच्चियां नू खाना खिला चुके ना तो बच्चे हजूर की दाढ़ी का बोसा ला के कहते हैं बड़े लजपाल हो आका बड़े करीम हो तो सानू मुर्दियां जिंदा करके तो गोद बिठा के खाना खिलाया जे। आका एक बात कहना चाहते हाँ, फरमाया कि ये अबू जी बकरी ज़िबा की है ना ये दुध से तो साडा गुजारा सी, सानू जिंदा करन वाले साडी बकरी भी ज़िबा कर दे। मासूमां दियां अदावां ते पेशकशां भी रहमत आलम ने फरमाया गुलामा भाई हड्डियां सारियां इकट्ठियां करो। गुलामा ने हड्डियां हजूर के सामने ढेर ला दिता। हजूर ने हाथ रख के फरमाया कुम बिज़निल्लाह, बकरी भी मैं कर दी हुई उठ बैठी। और तुहानू की पता मदीने वाले नू अल्लाह ने की अजमत अता कीतियां, की शाना अता कीतियां। तू कमली वाले नाल प्यार पा के ते वेख, कमली वाला तेनू खाली नहीं छोड़ेगा। करीम आका तेरी झोली भर देंगे, इनायात की बारिश कर देंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे भाई अमजद साहब ने मैनू फोन पर आखिया बहुत सारे दोस्तों की खासकर एक बच्चे ने इसरार किया कि इस जुमे ते सानू क्योंकि हजूर की दावत का जिक्र हो रहा है लिहाजा वो दावत भी सुना जी ख्वाजा गुलाम फरीद ने नबी पाक नू पेश की। मेरे को सरकार की मुहब्बत का माल चूँकि वक्त का दामन तंग हो गया है, बाकी बातें इंशाअल्लाह अगले जुमे ते तो इस यकीन नाल ये दावत पेश करो कि साड़ी दावत हजूर सुन रहे हैं। हजूर फरमाते ने मैं अपने गुलामां नू पहचानना, मैं अपने गुलामां नू जानना, उन्हां दी आवाज़ां मेरे तक पहुँचदियां ने। इन्नी असमाओ सलाता आले मुहब्बती, प्यार वालियां दा दरूद मैं आप सुनना है। वारिफ हों, मैं पहचानदा भी हाँ कौन पिया पढ़दा, किस दा बेटा पिया पढ़दा। मैं जिंदगी ये दुआ ये दावत बेशुमार मरतबा पढ़ी, अपनी ख्वाहिश नाल भी पढ़ी, दोस्तों की फरमाइश से भी पढ़ी, मुख्तलिफ इलाकियां मुख्तलिफ मुल्कां मुख्तलिफ गिरावां जाके पढ़ी। और खुदा दी कसम है कई बारी कमली वाला मेरी दावत मेरे वेड़े भी आया। हजूर बड़े करीम ने, थोड़े सिदक है ना, थोड़ी सच्चाई कितनी है, किस प्यार ना तुसी हजूर ने दावत दोगे, इस यकीन ना दावत दो कि कमली वाला मेरी दावत कबूल करेगा। कि अज किसी के घर मुस्तफा आ गया तो वस पवेगा। और जिन्होंने जिन्होंने जियारत होवे जरूर मैनू फोन करके दस्यो। अल्लाह अपने महबूब का दीदार सब नू अता करे। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले रहमतुल्लाह तआला अलैह हजूर दी बारगाह च एक दावत पेश करी। या रसूल अल्लाह, कदे तुसी गुलाम फरीद दे वेड़े आओ ना ते मेरी झोक वस पवे। आका मैं बड़ा गरीब हाँ, ना पल्ले घर, गरीबी घर उड़ा क्यों कर मैं हाँ बेपर। या रसूल अल्लाह, एक बारी मेरे वास्ते मदीने आना बड़ा मुश्किल है, वीजे लवाने पैनगे, पैसा जमा करना, तुहाडे वास्ते तो कोई देर नहीं है आका, तुसा ना वीजा लवाना ना टिकट लेना है आका, तुसी आ जाओ। खाजा गुलाम फरीद कहते ने एक वारी लंघ आ तू साडी जाते, सब बोलो एक वारी लंघ आ, एक वारी लंघ आ, मैं दारिया करे सू सिक्का लहाते। आका बस एक वारी गुलाम फरीद दी जोक वसा दियो। मेरे दिल में बड़िया हसरतां ने, कदे करीम आका मेरे घर आया ना तो मैं रसूल अल्लाह नूं यह भी नजराना देंगा, यह भी पेश करांगा, यह भी पेश करांगा, सारियां हसरतां पूरियां करां, बस एक बारी आ जाओ। सैयदी या रसूल अल्लाह मैनूं यकीन है तुसी मेहरबानी करोगे, आओगे, मेरी कुली वस पवेगी, मेरी जोक आबाद हो जाएगी। आका तुसी आओगे तो मैं की करांगा, फुल पान मिसरी लातियां मंगे सो, फुल पान मिसरी लातियां मंगे सू, आका इतरे गुलाबे मल मल धवे सू, फुल पान मिसरी लातियां मंगे सू, आका इतरे गुलाबे मल मल दवे सू, ए मेहंदी लगे सू, सेहरे पुवे सू, कोलों बहसू, बनरा बनाते, फुल पान मिश्री लातियां मंगा के पेश करांगा, मेहंदी लावांगा, सेहरे सजावांगा, ते दूल्हा बना के अपने कोल बिठावांगा। फुल पान मिसरी मैं लातियां मंगे सू, इतने गुलाबे मल मल दवे सू, मेहंदी लगे सू, सेहरे पुवे सू, आका कोलों बहसू, बनरा बनाते। करीम आका मैं बहुत कुछ सोचया होया, तुसीं आओगे यह भी चीज देंगा, यह भी देंगा, यह भी देंगा। या रसूल अल्लाह साडा जिहड़ा कोट मिठन का इलाका है ना, ये बड़ा गर्म इलाका है, मदीने वाले आका गर्मी बड़ी होंदी है, ते तुसा मदीने तो आना ना, तो साडा इलाका भी गर्म है, ते आका मैं सोचया है वे कि डाके दी मल मल बड़ी अच्छी होंदी है। पुराने लोग दसदे ने, एक जमाना सी डाके दी मल मल बड़ी मशहूर सी, डाके दी मल मल मंगवा के ना सोहने सोहने कुर्ते बनवा के हजूर नूं पेश कर, डाके दी मल मल जयपुर दे चीरे, लख लाल नीलम पुखरा झील, डाके दी मल मल, डाके दी मल मल दे कुर्ते बनवावांगा, ते जयपुर दियां पगड़ियां मशहूर ने, ते जयपुर दियां पगड़ियां मंगवा के पेश करांगा, डाके दी मल मल जयपुर दे चीड़े, लख लाल नीलम पुखरा झीरे, आका उजते गरीबा पर दिल अमीर। उजते गरीबा पर दिल अमीरे, करना जो चीज देसू देसू रजा दे। आका जरूर मेहरबानी करो, कर्म करो। जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी दीवानी सी ते गुलाम फरीद ते आप दा दीवाना ना। ते जुलेखा शहजादी सी, मैं गरीब हां। उस शहजादी होके यूसुफ अलैहिस्सलाम नू दो जोड़े कपड़ियां दे रोज देंदी सी, एक सुबह एक शाम। जिहड़ा उतारते सन वह गरीबां नू दे दिंदे सी, नवे जोड़े रोज बनवा के दो दो जोड़े रोज देंदी सी। वो शहजादी सी, मैं गरीब हाँ। वो जुलाखा सी, मैं गुलाम फरीद हाँ। वो दो जोड़े देंदी सी, मेरे वेड़े आ जा मदीने वाले आ, मैं 100 जोड़े रोज दिया कर। दिल विच पुवे सू सह सह मैं जोड़े, दिन विच 100 जोड़े दिल विच पुवे सू सह सह मैं जोड़े। आका हाथ के ना रखसू रुस बैसो तोड़े। जुलेखा हजरत यूसुफ नू 2 जोड़े देंदी सी, अगर गल नहीं सन मरदे तो कुड़दी रहंदी सी। इतनी खिदमत भी करनी आ, ये आखे नहीं लगदे, ये गल ही नहीं मनदे। या रसूल अल्लाह, मैं 2 नहीं 100 जोड़े देंगा। 100 जोड़े देने तो बाद भी किसी गल ते तुसी नाराज भी होए ना, मैं महसूस ही नहीं करांगा। जो मर्जी है कह दे। दिल विच पुवे सा सह सह मैं जोड़े, आका हाथे न रखसूं रुस बैसो तोड़े। आका तुसी सो जावो ते मैं राती दमे सू दे मरोड़े। सो जावो मैं मुठिया बनागा, राती दमे सू दे मरोड़े। मैं खीर पिले सू निंदरों उठा दे। सुते उठोगे तो दुध का प्याला लैके खलोता होगा, 100 जोड़े पेश करांगा, किसी बात से महसूस भी नहीं करांगा। एक बारी आ जाओ मेरे आका, मैं दुनिया जहान दियां चीज़ां पेश करांगा। इश्क वेखो, गुलाम फरीद कहते हैं मैनू यकीन है तुसी मेहरबानी करोगे, कर्म करोगे, मैं अपनी गरीबी के बावजूद सारे वादे पूरा करांगा। लेकिन एक बात मैं पहले दसना चाहना, तुसा कहना गुलाम फरीद मैं वापस चले हैं। आका मैं फिर जान नहीं देना। जोर जे वैसो वंजन ना देसू, एक गल पापलू मिनता करे सू। जोर जे वैसो वंजन ना देसू, गल पापलड़ू मिन्नता करे सू। एवें मैं कूड़ियां क्यों हब्बा पिया मारा, खुद देख गिन सो आपे ही आते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह तुझे इश्के नबी ज़ौके फना दे, नामूस रिसालत पे तू कौनैन लुटा दे। वक़्त दा दामन बहुत तंग हो गया, काफ़ी मैं मुकम्मल नहीं कर सकिया। जे जिंदा रहा तो ऐसे काफ़ी नू अगे चलावांगे अगले जुमे ते इंशाअल्लाह ताला। और अर्ज़ करांगा कि आशकां ने नबी पाक कोलों की कुछ मंगिया ते रसूल अल्लाह ने अपने गुलामां नू की कुछ अता कीता। अल्लाह मेरी थोड़ी हाज़री कबूल करे। खुदा इस मस्जिद नू आबाद रखे, आबाद करन वालेयां नू आबाद रखे। हाजी मोहम्मद सफदर साहब वास्ते दुआ करो कि अल्लाह ताला इन्हां नू सेहत वाली, आफियत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। इन्हां दी पूरी काबीना, ये पूरा काफिला मुहब्बत रसूल रखने वाला काफिला, अल्लाह इसनू आबाद और शाद रखे। अल्लाह मेरी थोड़ी हाज़री कबूल करे। सब नू अज राती रसूल अल्लाह दी जी। मैनू बहुत अफसोस होया, सूफी गुलमत साहब ने मैनू दसिया कि हज़रत जिगरगोश शाह सुल्तान आरिफीन पीर सुल्तान मोहम्मद नजीमुल कादरी साहब की वालिदा रज़ा इलाही नाल इंतकाल कर गई। अल्लाह ताला माई साहबा की कबर मुनव्वर करे। पीर साहब नूं थोड़े वक्त बहुत बड़ा सदमा मिले। पहले वालद साहब का इंतकाल और फिर मगर ये कुदरत के फैसले ने जो किसी कीमत तलदे नहीं होंदे। अल्लाह ताला माई साहबा की कबर मुनव्वर करे, दर्जात बुलंद करे। पीर साहब के जख्मी दिल ते अल्लाह सबर की मट्ठी पट्टी रखे। अल्लाह मेरी थोड़ी हाज़री कबूल करे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। हैं हाँ भाई, अज इंशाअल्लाह मगरब की नमाज तो बाद अदारा कनजुल ईमान के अंदर जामे मस्जिद शेर रब्बानी भी महाना महफिल होगी। मेरी बीमारी की वजह तो कुछ करोना की वजह तो लेट हो गए, महफिल ना हो सकी। इंशाअल्लाह आज नमाज मगरब तो बाद जामे मस्जिद शेर रब्बानी के अंदर महाना महफिल पाक होगी।